हेलो बच्चों, क्वेश्चन स्टेट्स दैट फिगर शो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इफ ई ऑफ एक्स एंड ई ऑफ वाई इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली देन सो वी हैव टू फाइंड आउट विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट की। नाउ की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन, एज वी नो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, यहाँ पर हम जो प्रॉपर्टी यूज करेंगे, वी विल यूज हेयर प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। सो अब यहाँ पर सपोज करता हूँ कि ये पॉइंट हमारे पास ए है, ये पॉइंट यहाँ पर बी है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज ई ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी इज ई बी। नाउ इट इज़ क्लियर कि जो हमारे पास ए की का मैग्नीट्यूड हो ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड बी से, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमारे पास को फॉलो करेगी, डिस्टेंस इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वाई जैसे जैसे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से इनिशिएट होगी, नेगेटिव पे टर्मिनेट होगी। तो और सेकंड पॉइंट यहाँ पर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की यहाँ पे जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है। सो अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगी तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा इसके कंपैरिजन में। सो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, वैल्यू ऑफ आर इंक्रीज, इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज। सो राइट आंसर इज ऑप्शन जो होगा हमारे पास, ई ए इज ग्रेटर देन ई बी, इट मीन्स ई एक्स इज ग्रेटर देन ई वाई। सो ऑप्शन फर्स्ट इज दिस एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।